गोहाना की मशहूर मातुराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग के मामले को 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं दूसरी तरफ मातुराम हलवाई के पोते को लगातार फिरौती को लेकर बार बार धमकियां मिल रही हैं। दुकान पर जहां पहले फायरिंग हो चुकी है, वहां आज फिर दुकान संचालक नीरज को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी दुकान पर पर्ची फेंक कर दी गई है। सिर्फ इतना ही, आरोपियों ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग भी की है। धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है और मातुराम हलवाई के पोते की दुकान पर 5 कमांडो दुकान पर नियुक्त किए गए हैं, तो वहीं दुकान के सामने मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है। पुलिस ने हर व्यक्ति पर अपनी नजर रख रही है। वहीं मामले को लेकर सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक भी दुकान संचालक के नीरज से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा है कि जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। मैंने अभी HM से होम मिनिस्टर से बात की है, उसको उन्होंने कहा कि हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर 5 कमांडो यहाँ पर घर पर पूरी फोर्स लगा दी है और इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, सबसे इसमें हम पूरी कार्रवाई, लेकिन लगातार धमकियाँ मिल रही है। अभी भी आया है फोन, मैंने बताई है ये बात, और इनको बख्शा नहीं जाएगा किसी तरह भी। तो जिस तरह से घटना हुई, किस तरह से देखते हैं इस घटना को? ये बहुत गलत है, इससे बुरी क्या बात है उसका, और इसमें सख्त कार्रवाई पुलिस को। लेकिन 2 दिन के बेच दिए जाने के बाद भी अभी पुलिस के हाथ खाली है, दावा किया जाता है हो चुकी है। ऐसा है, अभी वो नहीं मिल सके, अभी ये पता नहीं कहाँ है गए हैं, उसकी पुलिस पीछे लगी हुई है, उनको ढूंढ कर अरे सारा। तो परिवार को सुरक्षा के इंतजाम कर दिए, घर पे भी कर दिए, यहाँ भी कर दिए। पुलिस ने घटना के बाद दावा किया था कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है, लेकिन 3 दिन बाद भी कोई पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुँच पाई है। ऐसे में पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूरे मामले में पुलिस मीडिया से बचती हुई नजर आ रही है। जो भी आपको पता ही है, फायरिंग हुई है, उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, उसमें मुलजिमों को लगभग हमने पहचान लिया, उनको पकड़ने की सारे कोशिश जारी है। सर, कुछ पोस्टें भी डाली हैं इंस्टाग्राम पे, उसके बाद फोन भी किया, क्या मिल रही है इनको? जो कुछ है आपके नॉलेज में, मेरे से पुष्टि क्यों करवाते हैं? जो भी हो गया है हो गया है, तो हम कार्रवाई करेंगे। वो आप देख ही रहे थे, जो उनको जो चाहिए वो दे चुके हैं, वो अश्योरेंस हम दे दिए। हमारा प्रायोरिटी ये है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ना है, उनको सजा देना है। टीमें लगाई गई है? हाँ जी, 8 टीमें लगाई गई है और STF अलग से काम कर रही है। इस तरीके का मामला काफी आज की जो घटना घटी है उस पर हमने टीमें जो हम मैं तो उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। आज एक घटना घटी है, इसमें जो क्रिमिनल है वो पकड़े जाने का सारे प्रयास सोनीपत पुलिस करेगा और हरियाणा पुलिस करेगा और STF भी इस पे लगे हुए, सभी करेंगे। तो मांगी गई नहीं, उसका कोई पुष्टि नहीं हुआ है। ठीक है, जो गोली चली उसमें मुकदमा दर्ज है, मुकदमा दर्ज करके हम जो मुलजिमों को पकड़ने के सारे प्रयास। बता दें कि गोहाना में प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा दावा किया गया था कि 8 टीम आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है और STF भी अलग से काम कर रही है, लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद भी नीरज दुकानदार को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।